Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss energy profile for a typical aromatic electrophilic substitution reaction. So, let's get started. This is our third lecture of aromatic electrophilic substitution chapter. In previous lectures, we have discussed Iranium ion mechanism. हम वक्स के ऊपर एनर्जी को ड्रॉ करते हैं और रिएक्टिंग कोऑर्डिनेट को या फिर क्या बोल सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाते हैं एक्सएक्स पे क्या दिखाएंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन एक्सक्सेस एंड एनर्जी ऑफ दिस वेरी सब्सटीचुएंट ऑन वाई एक्सेस अब देखो अरेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन में बना क्या था मेकेनिज्म था क्या अरेनी माइन मेकेनिज्म सबसे पहले जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन होगी एक में इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएट फर्दर अपने प्रोटोन का लॉस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड में नाउ द डायग्राम इज लाइक दिस लाइक दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा कुछ इस टाइप का रहेगा जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रहेगी ठीक है दोबारा तो बनाते हैं इसको यू ऑल नो दिस इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और रिएक्टेंट क्या था कोई भी एरोमेटिक रिंग ट विद इलेक्ट्रोफाइल लाइक अपने रिएक्शन में हमने वाई से ही इसको डिनोट किया था एंड इलेक्ट्रोफाइल है तो चार्ज क्या होगा? Positive. और ये जो होगी फर्स्ट वाली ये स्टेट होगी दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट किसकी वही अरे माइन के लिए दिस वन इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये एनर्जी क्या होगी डेल्टा जी ऑफ इंटरमीडिएट और यहाँ पर कौन सा सब्सटीच्यूंट होगा यहाँ पर आपका अरेनियम आयन रहेगा साथ में आपको ये पता है कि यहाँ पर बॉन्ड किसका फॉर्म हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का और दूसरा बॉन्ड किसका है एच का तो इस लाइट बॉन्ड अभी फॉर्म ही हुआ है एग्जैक्ट नहीं बना है ठीक है नाउ जो नेक्स्ट वाला स्टेप जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रही है इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था इसने एक्जेक्टली exactly बॉन्ड बना लिया है बेंजीन के साथ ये बना चुका है बेंजीन के साथ, और यहां पर एच पॉजिटिव ने ब्रेक होना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर फाइनली ये आपका क्या रहेगा प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट की साइड पे क्या होगा जो भी आपका कंपाउंड था रिक्वायर्ड कंपाउंड था वो यहाँ पर बन जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट ओके तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोक्ट्रोफिल रिएक्शन के लिए दो ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरता है फर्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होता है किसके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ है और सेकेंड वाली में पार्शियल बॉन्ड बनता है प्रोटोन के साथ So this was uh, this one is energy profile diagram. Now the next one is next topic is orientation and reactivity in mono substituted benzenes. Orientation and reactivity in मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन है इसमें ओरिएंटेशन क्या होगी साथ में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी ये सब हमें डिस्कस करना है मोनो सब्सिट्यूटेड का मतलब एक बेंजीन रिंग जिसके ऊपर केवल और केवल एक ही सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देंगे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन ओरिएंटेशन का मतलब क्या रहेगा वो देखिए देखो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो भी आपकी मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होती है जब हम इसका फर्दर इसकी फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं सपोज करो कि किसी एक्स के साथ तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वाई सब्सटीट्यूएंट है इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये जो इनकमिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी है उसको या तो ऑर्थो पोजिशन पे लगा सकता है या फिर मेटा पोजिशन पे लगा सकता है और या फिर पैरा पोजीशन पे लगा सकता है तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो मोनो सब्सटीट्यूट बेंजीन है इसके पास थ्री साइड्स हैं दो साइड तो किसकी हैं ओर्थो की दो किसकी हैं मेटा की और एक क्या है पैरा तो ओरिएंटेशन में या तो ओर्थो प्रोडक्ट मिलेगा आपको या पैरा मिलेगा या फिर मेटा मिलेगा ठीक है ये तो था ओरिएंटेशन का मतलब अब बात करते हैं रिएक्टिविटी का तो रिएक्टिविटी का मतलब ये होगा कि हमें तो पढ़ना क्या है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन कोई भी अगर बेंजीन के ऊपर सब्सटीच्यूएंट अटैच है तो वो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज भी करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सपोज करो आपके पास जो ये वाई सब्सटीच्यूएंट है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर इंक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इजिली एक इसके साथ अटैक कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो ऐसे ग्रुप रिंग को क्या कर देंगे एक्टिवेट एक्टिवेट कर देंगे या फिर रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप है तो वो क्या कर सकता है रिएक्टिविटी को डिक्रीज तो ये ये मतलब किसका होगा रिएक्टिविटी का ओरिएंटेशन का मतलब होगा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा बनेगा या फिर मेटा बनेगा और मोनो सब्सटीच्यूटेड बेंजिन का मतलब क्या है बेंजिन जिसके ऊपर एक ही सब्सटिट्यूएंट है ओके okay? डिस्कस कर लेते हैं कि जो सब्सटिट्युएंट हैं ऑलरेडी जो एक्जिस्टेडिट्यूएंट हैं वो किस किस टाइप से रिएक्शन को बेंजीन को एक्टिवेट कर सकता है तो so जनरली इसके अंदर हम जो भी ग्रुप हैं उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में तो क्या आते हैं ओर्थो डायरेक्टिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है सेकेंड में क्या आएंगे मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है थर्ड में ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बट डी है देखिए इनका समझने का मतलब क्या है फर्स्ट कैटेगरी को समझते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर जो लगा हुआ है यहाँ पर ये सबस्टिट्युएंट कुछ इस टाइप का है जो इनकमिंग ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा या फिर पैरा पे तो ये तो हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसकी प्रॉपर्टी है ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ग्रुप है ना बेंजिन रिंग के ऊपर उसकी प्रोपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो सब्सिटुएंट है ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड सब्सटीचुएंट है ये को 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 या तो पे या तो पे पे करेगा करेगा, करेगा 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 फिर साथ में रिंग को एक्टिवेट रिंग को एक्टिवेट रिंग को एक्टिवेट का मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीटूशन के रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप एग्जांपल क्या क्या रहेंगे इसके ऑक्साइड है जैसे आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जैसे एनआर टू है लोन पेयर है एनएचआर है इसके पास भी अगेन लोन पेयर है या फिर आप ओ OH एच बोल सकते हो एनएच टू बोल सकते हो ओ OH एच बोल सकते हो सबके पास लोन पेयर है तो ये एक्ट कर सकते हैं तो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं एज एन ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग में क्या आ जाएगा भाई जो ऐसे सब्सटिट्यूंट जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर डायरेक्ट करते हैं मेटा पोजिशन पे कहाँ पे करेंगे मेटा पोजिशन पे और साथ में रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे रिंग को फर्दर जो रिएक्शन की रेट होगी उसको डिक्रीज करेंगे एग्जाम्पल हम इसमें जनरली जितने भी कंपाउंड है जिसके अंदर पाई बोन्ड होता है एनओ टू है सीओओ एच है सी एच ओ है इन सबको ले सकते हैं सी डबल बोन्ड ओ है ये सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थर्ड कैटेगरी की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हेलोजन का आएगा हेलोजन ऐसे ग्रुप हैं जो रिंग को ऑर्थोपेरा इनकमिंग सब्सटिट्यूएंट को ऑर्थोपेरा डायरेक्शन पर तो डायरेक्ट करते हैं ओर्थोपेरा पर क्यों क्योंकि किसके पास लोन पेयर है बट रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं

आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा थैंक यू